हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई का सिलेबस। आप जो अपलोड किया गया है सीबीएसई के द्वारा फोर क्लास नाइन्थ टू ट्वेल्थ, ठीक है, नाइन्थ टू ट्वेल्थ जो है सभी बच्चों का जो सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड का वो अपलोड किया जा चुका है। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप इसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको चले जाना है cbse.nic.in की साइट पे, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए आपको ये वाला जो आइकन दिया गया है करिकुलम का, इसको आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ नीचे मिलेगा आपको टर्म वाइज करिकुलम 2021-22, ठीक है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको टर्म वाइज जो है सिलेबस दिया गया है 2021-22 का, जहाँ पे आपको दिया गया है टर्म वाइज सीनियर सेकेंडरी करिकुलम 9, 10 और 11th एंड 12th। उसके बाद आपको गाइडलाइन दी गई है इंटरनल असेसमेंट के लिए, प्रोजेक्ट वर्क के लिए, ठीक है, और स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 10th और 12th के लिए। तो यहाँ से आप की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हो, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अब देखिए, अगर हम टर्म वाइज जो है सिलेबस देखें 9th और 10th का, तो इस तरह से आपको यहाँ पे मिलेगा। इसमें आप देख सकते हो टर्म वाइज जो है यहाँ पे लैंग्वेज का दिया गया है आपको, और उसके बाद आपको टर्म वाइज मेन सब्जेक्ट का दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अदर एकेडमिक इलेक्टिव्स का दिया गया है। तो यहाँ से आप जिस भी क्लास का चाहो सिलेबस वो डाउनलोड कर सकते हो। जैसे टर्म वाइज जो है देखिए लैंग्वेज का आपको दिया गया है, जो भी आपके पास लैंग्वेज है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं, टर्म वाइज मेन सब्जेक्ट का सिलेबस आपको दिया गया है, देखिए यहाँ से दिया गया है आपको मैथ्स का, ठीक है, साइंस का, और ये है आपका सोशल साइंस का। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहो तो मान लीजिए आप यहाँ से मैथ्स का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हो, तो यहाँ से आपको मैथ्स का सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। और देखिए इस तरह से आपको मैथ्स का जैसे टर्म वाइज सिलेबस आपका ये आ चुका है यहाँ से, ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये देखिए कंप्लीट सिलेबस है ये आपका, यूनिट्स के इसमें कंप्लीट फर्स्ट टर्म का दिया गया है, ठीक है। इसी तरह से आगे आपको इसमें इंटरनल असेसमेंट के बारे में बताया गया है, फिर आपको यहाँ पे सेकेंड टर्म का जो सिलेबस है वो दिया गया है, ठीक है, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स है, और इंटरनल असेसमेंट के बारे में भी आपको यहाँ पे बताया गया है, कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे दी गई है। तो इस तरह से आप कंप्लीट सिलेबस को, अब देखिए डाउनलोड कहाँ से करते हैं, यहाँ से, ये जो चीज है यहाँ से, ठीक है, इसको आप प्रेस करोगे तो ये क्या होगा, ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा या आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। आप फोन पे डेस्कटॉप साइट करके तब आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और डायरेक्ट लिंक से भी आप जो है इसको कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बच्चे आप जो है SST का सिलेबस गिवन है, ये सारा जो है यहाँ से देखिए, साइंस का सिलेबस है, SST का है, ये सब आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा आपको इसी तरह +1 +2 का भी सिलेबस आपको दिया गया है। इसी तरह आप जो है टर्म वाइज सीनियर सेकेंडरी करिकुलम आपको 12th का 11th का भी दिया गया है यहाँ से। आप ये देखिए इसी तरह लैंग्वेज जो है ये सारी आपको 11th 12th की लैंग्वेजेस दी गई हैं, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ से जो मेन सब्जेक्ट है आपके एकेडमिक सब्जेक्ट उनका सिलेबस दिया गया है, ये देखिए ये कंप्लीट है। जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है अकाउंट का, बायो का, ठीक है, तो ये कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ से आप अपना सिलेबस वो डाउनलोड कर सकते हो। और जो सिलेबस है वो आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, कौन सा चैप्टर आपका किस टर्म में आएगा, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी आपकी सब्जेक्ट की कॉपी है उसमें आप फर्स्ट पेज पे या तो प्रिंट करके उसको जो है पेस्ट कर लीजिए, या आप चैप्टर वाइज और इस तरह से आप अपना लिख सकते हो, या अपने कंप्लीट सिलेबस की एक अलग से फाइल भी बना सकते हो, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे ऐसे ही आप जो है अपना सिलेबस उसमें रख सकते हो। पॉलिटिकल साइंस का है तो जो जैसे मान लीजिए आप जो है यहाँ से अपना मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का सिलेबस है तो आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो, तो इस तरह से आपका कंप्लीट आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। देखिए कंप्लीट है, टर्म फर्स्ट में क्या दिया गया है, कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इसको समझने में, ठीक है, कौन सा थीम दे रखी है आपको, वेटेज किसको कितने मार्क्स का दिया गया है, फर्स्ट टर्म में क्या है, सेकेंड टर्म में क्या है, कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपको टर्म फर्स्ट में कौन सा चैप्टर आपको दिया गया है, ठीक है, ये देखिए इसी तरह से हर सब्जेक्ट का आपको बिल्कुल क्लियर होगा,
जब आप इसको अच्छे से रीड करोगे तो हर सब्जेक्ट का आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो बच्चों ये थी आपकी आज की वीडियो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है क्लियर है कि कैसे आप जो सीबीएसई का सिलेबस है आपका उसको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हो। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बस अब आपको क्या करना है, सिलेबस आपको मिल गया जिसका काफ़ी लंबे टाइम से आपको वेट था, अब आपको केवल और केवल पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अपना सिलेबस आगे रखिए और अच्छे से उसको कवर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।